अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल। और मेरी वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया होगा, आज हम बना रहे हैं बटर चिकन एंड इट्स वन ऑफ माई फेवरेट चिकन ग्रेवीज। इसके लिए सबसे पहले तो मैं चिकन को फ्राई करूँगी एंड देन वील कुक इट इन अ वेरी यमी बटरी एंड वेलवेटी स्मूथ ग्रेवी। और उसके बाद ये बहुत ही मज़े का फ्लेवरफुल सा बटर चिकन रेडी हो जाएगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स जंप राइट इनटू द वीडियो। बटर चिकन के फर्स्ट स्टेप में हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। यहाँ पर मैंने थाई और ब्रेस्ट मीट ले लिया है, कंबाइन कर लिया है। अगर आप चाहें तो आप से बोनलेस ब्रेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर दूँगी सॉल्ट, साथ ही इसमें जाएगा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अगर आपके पास नहीं है तो आप पेपरिका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मैं इसमें डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा लेमन जूस, और ये योगर्ट है। और साथ ही इसमें ऐड कर दूंगी ऑयल, और क्वांटिटीज़ मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप चेक कर लीजिएगा। और ये तमाम इंग्रेडिएंट्स चिकन में ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करके मैं इसको मैरिनेट कर लूंगी 30 मिनट्स के लिए। अब यहाँ पर स्टोव पे मैंने वोक रख दिया है और इसमें ऐड कर दिया है बटर, और थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल डालूँगी ताकि बटर जले नहीं। और अब वन बाय वन मैं सारे चिकन पीसेस को फ्राई कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पर आपने ये ख्याल रखना है कि आपने चिकन पीसेस को एक दूसरे के ऊपर नहीं डालना, सिंगल लेयर में आप इनको रखेंगे। और जब एक लेयर फॉर्म हो जाए तो उसके बाद आप इसको एटलीस्ट 4 to 5 मिनट्स छोड़ दें ताकि अच्छा सा कलर आ जाए, और उसके बाद इनको फ्लिप करें। अगर आप सिंगल लेयर में नहीं डालेंगे तो फिर ये अच्छी तरह से फ्राई नहीं होगी चिकन, सो कीप दैट इन माइंड। और ये देखें, 3 से 4 मिनट गुजरने के बाद अब मैं फ़्लिप कर रही हूँ सारी चिकन को, और चिकन पे बहुत अच्छा सा चार्ड इफ़ेक्ट आ गया है, ब्राउन सा कलर आ गया है। सो दिस इज़ व्हाट वी नीड। और इससे यह कि टेस्ट भी बहुत मज़े का आएगा चिकन का ग्रेवी। तो इसी तरह से मैं सारे चिकन को बैचेस में फ्राई कर लूँगी और उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर सारी चिकन को मैंने फ्राई कर लिया है, और आप देखें कितना अच्छा सा इसके ऊपर चार्ड इफ़ेक्ट आया है, बहुत ही अच्छा इसका कलर आया है, गोल्डन ब्राउन सा। और अब इसको मैं कवर करके रख दूँगी। कवर करने से यह है कि आपकी चिकन जो है वो ड्राई नहीं होगी, बहुत अच्छी मॉइस्ट और सॉफ्ट रहेगी। और अब हम बना रहे हैं ग्रेवी। ग्रेवी के लिए मैंने सेम वोक के अंदर डाला है थोड़ा सा बटर और ऑयल, और इसको मैं मेल्ट होने का वेट करूंगी, और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अनियंस। अनियंस को यहाँ पर मैंने रफली चॉप करके डाला है, इनको फाइनली चॉप करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाद में हम सारी ग्रेवी को ब्लेंड करेंगे। तो बस अनियंस को मैं सॉटे करूंगी, और इसको इतना सॉटे करना है कि इनका जो कलर है वो ट्रांसलूसेंट सा हो जाए, ज़्यादा ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे अनियंस, तो साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। और अब अच्छे से इन दोनों चीज़ों को मैं फ्राई करूंगी, और इतना फ्राई करना है आपने कि जिंजर गार्लिक की जो रॉ स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। करीब 3-4 मिनट मैंने अनियंस को और जिंजर गार्लिक पेस्ट को फ्राई किया है, और आप देखें इसका कलर अब चेंज हो गया है, लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो गया। तो अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है टोमेटोस, और इनको भी मैंने रफली चॉप कर लिया था। अब इनको मैं थोड़ा सा मिक्स करूंगी, और फिर साथ ही हम इसमें डाल देंगे स्पाइसेस। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ सॉल्ट। अच्छा, आपने सॉल्ट का ख्याल रखना है क्योंकि वो चिकन में भी हमने ऐड किया है, तो बहुत ज़्यादा इस स्टेज पे ना डालिएगा, बाद में आप सॉल्ट एडजस्ट कर लें। साथ ही इसमें डाल दिया है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, कुटा हुआ धनिया जाएगा, उसके अलावा भुना पिसा ज़ीरा जाएगा इसमें, और थोड़ी सी मैंने इसमें शुगर भी ऐड किया है। और क्वांटिटीज़ के लिए प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिएगा, वहाँ पर मैं क्वांटिटीज़ मेंशन कर दूँगी।
और यहाँ पर इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं ऑलमंड्स यानी कि बादाम। अगर आपके पास ऑलमंड्स ना हो तो आप कैश्यूज़ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने 12 बादाम ले लिए थे, उनको बॉईल करके उनका छिलका उतार लिया था और वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और बस अब मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी 2-3 मिनट के लिए और उसके बाद हम कवर करके छोड़ देंगे इसको ताकि अच्छे से कुक हो जाए टोमेटोस। तो इसको तकरीबन मैंने 5 मिनट के लिए कवर किया था और आप देखिए टमाटर जो हैं वो बहुत अच्छे से गल चुके हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब मैं इस मसाले को ब्लेंड कर लूँगी और इसको आपने बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड करना है और ब्लेंड करने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करके आप इसको स्ट्रेन कर लेंगे यानी कि छान लेंगे ताकि जो टमाटर के छिलके या बीज वगैरह हैं वो रिमूव हो जाएँ और हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत स्मूथ बने। तो यहाँ पर मैंने फिर स्ट्रेन करके ग्रेवी को वापस से वोक में डाल दिया है और थोड़ा सा मैंने मिक्स किया और साथ ही इसमें मैंने ऐड कर दी है क्रीम और साथ ही इसमें कुछ और मसाले मैं ऐड कर रही हूँ जिसमें गरम मसाला है और कसूरी मेथी है। कसूरी मेथी को आप हाथ से क्रश करके डालिएगा तो इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर निकलता है, बहुत इन्हांस हो जाता है इसका फ्लेवर। तो ये दोनों चीज़ें डालने के बाद मैं थोड़ा सा स्टर कर रही हूँ और अब हम वेट करेंगे इसके बॉयल आने का। तो यहाँ पर ग्रेवी में बॉईल आ चुका है और अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी अपने सारे फ्राइड चिकन पीसेस और अगेन थोड़ा सा स्टर करेंगे इसको। यहाँ पर आप चाहें तो आप इसमें 1 टेबलस्पून के जितना और बटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने चिकन को भी बटर में फ्राई किया था और ग्रेवी भी बटर से बनाई थी तो मैंने इसलिए और बटर इसमें ऐड नहीं किया। और बस 3 से 4 मिनट मैंने इसको स्टर किया था मीडियम फ्लेम के ऊपर और ये हमारा मज़ेदार सा यम्मी सा बटर चिकन हो गया है रेडी। और यहाँ पर इसको मैंने डिश आउट कर लिया है और गार्निश किया है क्रीम और थोड़ी सी कसूरी मेथी के साथ और यकीन माने बहुत ही मज़े का ये बटर चिकन बना था, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे आपको रेस्टोरेंट से मिलता है और बहुत ही फ्लेवरफुल, बहुत ही यमी। आप इसको नान के साथ इंजॉय कर सकते हैं, राइस के साथ खा सकते हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। सो इट्स अ मस्ट ट्राई रेसिपी, आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो आज की वीडियो बस यहीं तक, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको थम्स अप करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। इंशाल्लाह अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।